नमस्कार सलाम सत श्री अकाल दिस इज विवेक ओबेरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। शनिवार को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों देशों के बीच 14 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहीं से भी 36 और राइफल खरीदने जाने का जिक्र नहीं था, जबकि फ्रांस सरकार को उम्मीद है कि भारत उससे और राइफल खरीदेगा। राष्ट्रपति इमैनुअल ने शनिवार को कहा कि राफेल सौदे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने का अहम पहलू है। आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को राफेल खरीदने के लिए पत्र लिखा था। फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। हालांकि दोनों पक्षों ने जैतपुर में परमाणु रिएक्टर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।